धरसीवा जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत देवरी में तेज बारिश से एक गरीब परिवार पर ये बारिश कहर बनकर टूट पड़ी। देवरी निवासी सेन परिवार बीते 10-12 सालों से कच्चे मिट्टी की दीवार के झोंपड़े में रहता है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले इस परिवार को पीएम आवास का भी लाभ नहीं मिला। कच्चे झोंपड़े के गिरने के बाद इस बेघर हुए गरीब परिवार के लिए मनवा कुर्मी समाज ने मदद की। बरोहन में रह रहे हैं। हाँ। तो अभी आपको कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? हम यहाँ 10 साल हो। तो अभी तक आपको कोई प्रधानमंत्री आवास वगैरह मिला क्या? नहीं मिले। नहीं मिला, मांग किए थे। हाँ। ग्राम पंचायत में सुनवाई नहीं हुई। हाँ। अभी हम मौजूद हैं धरसीवा जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम देवरी में। यहाँ एक गरीब परिवार पर पहाड़ टूट पड़ा है। अभी 2-3 दिन पहले तेज बारिश हुई आंधी के साथ, और जो एक झोपड़ी थी कच्चे मकान में रहते थे विगत 10 वर्षों से, उनका वह कच्चा मकान का टूट गया और वह बेघर हो गए। बर्मा समाज ने अपने बर्मा सदन में उन्हें आश्रय दिया है। अभी उनकी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है कि वह इस मकान को सुधार सके। विडम्बना यह है कि इतनी सरकार की योजनाएं चल रही, प्रधानमंत्री आवास चल रहा है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार है, सैन परिवार है, लेकिन आज तक इस परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तक नहीं मिला है। सोचने वाली बात है कि यह योजनाएं आखिर किन के लिए हैं, जबकि आज भी अधिकांश ऐसे लोग मिल जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने वाले जिनके पास एक एक दो दो मकान पहले से मौजूद होंगे, लेकिन जो जरूरतमंद है, जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है, उन्हें आज तक लाभ क्यों नहीं मिला? धरसीवा से स्वराज एक्सप्रेस के लिए सुरेंद्र।